वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अपराजिता और मैं हूं अभी वेकेशन में, बीच साइड में। और आज आपसे शेयर करूंगी कुक विदाउट फायर की दो रेसिपी जो झटपट बन जाती है। तो पहली रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूं वो है मुड़ी मिक्सचर और दूसरी हमारी रेसिपी है फ्रूट स्क्वेयर्स। तो शुरुआत करते हैं फ्रूट स्क्वेयर्स से। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक एप्पल, एक बनाना, ब्लैक ग्रेप्स थोड़े से और अमरूद है। तो ये सारे फ्रूट्स मैंने पास अवेलेबल थे जो मार्केट से हम लोगों ने खाने के लिए रखे थे, मैं बस उसी से बता रही हूँ। अगर आपको कुछ और भी फ्रूट्स अवेलेबल हो मार्केट में जो सीजनल हो तो आप उसे भी रख लें और उसे अच्छी तरीके से धो लें। बॉटल में मैंने पानी रखा था तो उससे मैंने धो लिया है। अब एप्पल को मैं पील कर रही हूँ, उसके छिलके निकाल ले रही हूँ, तो इसे तो पूरी तरीके से पील करूंगी, पर अमरूद को मैं पील नहीं करूँगी क्योंकि इसके छिलके समेत हम इसे खाते हैं। अगर जिन्हें पसंद नहीं हो वो उसे निकाल सकते हैं छिलके को। बनाना को अभी छिलका मैं निकाल दे रही हूँ। ग्रेप्स भी हम अलग कर लेंगे, निकाल कर इसके गुच्छे से हम अलग कर लेते हैं। और फिर हमें इसे सारे फ्रूट्स को काटना है, तो बनाना को मैं ऐसे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। इसकी थिकनेस के हिसाब अपने हिसाब से रखें, मैं थोड़ा थिक ले रही हूँ इसे। तो एप्पल भी मैं काट ले रही हूँ इसी तरीके से। और अब हम काटेंगे अमरूद को। तो सारी चीजें हमें काट लेनी है, सिर्फ हमें ग्रेप्स नहीं काटना है, अमरूद भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। तो सारे फल हमारे कट गए हैं, अब हमें बस इसे डालने हैं स्क्यूअर्स में। तो मैंने यहाँ पे लिया है टूथपिक और एक एक करके मैं फ्रूट इसमें डालते जाऊंगी। अपनी चॉइस के हिसाब से आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आप पहले डालना चाहें या फिर बाद में डालना चाहें। तो इस तरीके से मैं फ्रूट्स डालते जा रही हूँ। और ये हो गया हमारा ये पहला फ्रूट स्क्वेयर रेडी। तो बाकी के भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। वैसे तो बीच में हमें काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं खाने पीने के, पर आप खुद से कुछ भी बनाएं तो पिकनिक वाली फीलिंग आती है। तो इन सब को रेडी करने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ नमक। अगर आपके पास काला नमक, चाट मसाला कुछ भी हो तो ऊपर से डाल दें। मैंने प्लेन नमक ही डाला है क्योंकि वही मेरे पास अवेलेबल था। और हमारा फ्रूट स्क्वेयर्स रेडी हो गया है, आप इसका मज़ा लीजिए। मैं चलती हूँ अगली रेसिपी की ओर, जो है मुड़ी मिक्सचर, जो इससे भी आसान है। पहले हमें डालना है इसमें मुड़ी या मुरमुरे जिसे कहते हैं, और बाकी मिक्सचर हम इसमें डालते जाएंगे जो मैंने लेके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये मटर मसाला, जो सूखे मिक्सचर आती है मटर की, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुजिया, सेव भुजिया है ये। और यहाँ पे है कुछ मूंगफली, ये सारे मैंने पैकेट्स में ही खरीदे थे। और ये है चना, तो ये सारे आराम से मिल जाते हैं। और यहाँ मैंने प्याज और धनिया पत्ती बारीक काट करके रखे हुए हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो धनिया पत्ता और प्याज के अलावा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी मिर्च, तो इसे भी बारीक काट के आप इस डाल लें। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ बस। अगर आपके पास लेमन अवेलेबल हो तो वो, या फिर काला नमक, वो आप इसमें डाल सकते हैं। और मिक्सचर को मिला देते हैं मुड़ी के साथ, और हमारा मुड़ी मिक्सचर भी हो गया है रेडी बीच में एंजॉय करने के लिए। तो ये दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताइए, और अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। एंजॉय, बाय।